सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं खैरियत होंगे। दोस्तों, आज हम यहाँ पर जो अनबॉक्सिंग करने वाले हैं वो आप M1 की माइक जो आती है, ये जो माइक है, जो भी नए यूट्यूबर हैं, जो पुराने यूट्यूबर हैं, ज्यादातर यही माइक को यूज करते हैं, तो मैं इसका अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है दोस्तों, अगर आप लोग ये परचेस करना चाहते हो तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं उससे पहले आपको रिव्यू करके दिखा देता हूँ कि बोया बाय M1 माइक कैसा है, कैसा इसका आवाज क्वालिटी है, आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, कितनी इसकी प्राइस है। मैं पूरा डिटेल्स जो आपको इस वीडियो में बता दूंगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी जो आवाज सुन रहे हैं वो विदाउट माइक की सुन रहे हैं, जो यहाँ पर जो डायरेक्ट मोबाइल के कैमरे से आ रही है, ठीक है। लेकिन मैं इसको अनबॉक्स करता हूँ। अनबॉक्स करने के बाद ये एक पाउच मिलता है आपको, ठीक है। इसमें कुछ यूजर मैनुअल रहते हैं, यूजर मैनुअल तो आपको पढ़ने की कोई जरूरत है नहीं, मैं खुद बता देता हूँ अभी वीडियो में। यूजर मैनुअल इसका रहता है, देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे बताया जाता है क्या कैसे सेटअप करना है। तो यहाँ पे बता दूं, ऐसे तरीके का इसका पॉच रहता है इसमें, ठीक है। इस पॉच को आपको खोलना है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो पॉच रहता है तो इसको आपको खोलना है। इसमें कुछ ऐसा माइक आपको मिलेगा। सबसे पहले ये जो मैं खोल रखा हूँ, पहले से ऑलरेडी मैं वीडियो बनाया हूँ इससे, एक दो वीडियो, तो इसलिए मैं खोल रखा हूँ। यहाँ पे आप लोग को एक और पॉच मिलेगा ऐसा कुछ, ठीक है। इसमें दो चीज रहते हैं, यहाँ पे मैं निकाल के देता हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो दो चीज रहते हैं, ये जो पीसी लैपटॉप ये सब में लगाने के लिए, ये सबको पीसी के लिए रहता है। एक इसमें बैटरी दिया जाता है, ये छोटा सा घड़ी वाला बैटरी दिया जाता है। तो इसको ये जो अगर आप लोग मोबाइल से वीडियो बनाते हो तो इसको, यानी आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना, इसको ऐसा ही पैक करके छोड़ देना। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, यहाँ पे माइक के ऊपर, ठीक है। तो इसकी लेंथ देखो दोस्तों, यहाँ पे काफी बड़ी वायर है, यहाँ पर जो है बहुत ही ज्यादा वायर इसकी लंबी है। तो इसमें लिखा जो रहता है आप लोग देख लीजिए गाइस, तो इसकी लेंथ जो है बहुत ही काफी बड़ी है, ठीक है, काफी बड़ी इसकी लेंथ है। तो मैं आपको बताता हूँ इसको सेटअप कैसे करना है। सबसे पहले फ्रंट कैमरा से उतना नहीं दिखा पाता हूँ मैं, तो यहाँ पे देखिए ये भी निकला रहेगा, जब आप लोगे तो ये भी निकला रहता है। इसका जो ये माइक रहता है, ये जो ये इसमें लगाना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे ये लगा दोगे आप लोग, और यहाँ पे एक क्लिप लगाना पड़ता है। ये जो क्लिप में मैं ऑलरेडी लगा चुका हूँ, यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको फिट कर देना पड़ता है। यहाँ पर फिर ऐसे लगा लोगे आप लोग, ठीक है, तो ऐसे लग जाता है। और यहाँ पर देखिए इसकी वायर की हम बात करें तो सबसे पहले वायर तो काफी लंबी है इसकी, और यहाँ पे मैं सबसे मेन मुद्दा आता है इस पे, तो ये क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक ऑप्शन दिया जाता है यहाँ पे ऑन ऑफ करने का, ठीक है। अगर पीसी पे आप लोग चलाते हो तो ऊपर कैमरा का ऑप्शन मिलेगा, कैमरा के ऊपर इसको कर देना, ठीक है। ऊपर करोगे तो ये कैमरा DSLR और पीसी सब में चलेगा, और यहाँ पे नीचे करते हो तो स्मार्टफोन में चलेगा, ठीक है। स्मार्टफोन में चलाते हो तो यहाँ पे बैटरी जो दिखाया हूं मैं उसको लगाना पड़ता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे ये कुछ ऐसा खुल जाता है। तो खोलने के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है बैटरी लगाने का। तो कैमरा, पीसी, लैपटॉप या DSLR में अगर आप लोग चलाते हो तो यहाँ पे बैटरी को इंसर्ट करना है, बैटरी लगाना है, ठीक है, तभी बैटरी यूज होगा। अगर मोबाइल में अगर आप लोग वीडियो बनाते हो, स्मार्टफोन से वीडियो बनाते हो, स्मार्टफोन से वीडियो अगर बनाते हो तो आप लोग को यहाँ पर बैटरी लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। बिना विदाउट बैटरी के जो है आप लोग यहाँ पर इसको कर देते हैं। यहाँ पे बस इतना ही रहता है। और ये माइक रहता है, ये 3mm का जैक रहता है जो अपने मोबाइल में लगा सकते हो। और एक कन्वर्टर दिया जाता है जो मैंने आपको बताया कि DSLR के लिए और वो सब के लिए, तो यहाँ पर इसमें लगाना पड़ता है वो कन्वर्टर को। और यहाँ पे ये काफी लंबी वायर मिलती है। इसकी आवाज क्वालिटी मैं आपको सुनाता हूँ, आवाज क्वालिटी कैसी आती है। अब जो आवाज सुनेंगे ये माइक से सुनेंगे, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। तो अभी जो आवाज सुन रहे हो आप, ये जो माइक की सुन रहे हो, जो भी माइक यहाँ पे बोया बाय M1 माइक जो यहाँ पे मैं लगाया हूँ, पहले जो आप आवाज सुन रहे थे वो डायरेक्ट मोबाइल फोन की आवाज थी। अभी जो आवाज सुन रहे हो वो बोया बाय M1 की माइक की सुन रहे हो। जो अभी आपने ये जो देखा है, ये जो माइक देखा है यहाँ पर, इसकी ही आवाज सुन रहे हो। तो आप लोग बता सकते हो मुझे कि आवाज में क्वालिटी में फर्क आया है या नहीं आया, तो मैं एडिटिंग की टाइम में देखूंगा। यहाँ पे मैं बता दूं ये कितने का आया, तो इसकी प्राइस में बता दूं, अभी जो फिलहाल 699 रुपए अमेजोन पे चल रही है इसकी, 800-850 रुपए प्राइस चली जाती है, कभी कभी 1000 भी चली जाती है। लेकिन अभी जो एग्जैक्ट प्राइस है, जो मेरे डायरेक्ट लिंक से लोगे, यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, इस माइक का ओरिजिनल माइक है, आपको कोई भी फ्रॉड वाला यहाँ पे बात नहीं होगा। जो उस लिंक के थ्रू अगर आप लोग जाते हो तो ये यहाँ पर जो है 700-750 के आसपास में मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने जब लिया था एक दो दिन पहले ही लिया है। तो यहाँ पर जो मैं बता दूं कि यहाँ पर एक दो दिन पहले ही मैं लिया हूँ, तो ये 699 में मुझे पड़ा है। जो भी डिटेल्स रहती है इसकी डब्बे पे आपको लिखी हुई मिल जाएगी। तो ये काफी बेहतरीन कंपनी है, ज्यादातर यूट्यूबर इसका ही, सारे यूट्यूबर जो भी है, नॉर्मल यूट्यूबर या मीडियम यूट्यूबर या बड़े यूट्यूबर, ठीक है, सभी कोई जो है इसी का यूज करता है। तो आप लोग भी कर सकते हैं, अगर आपको एक माइक लेना अच्छी क्वालिटी
क्लैरिटी के लिए अभी जो आवाज सुन रहे इसी माइक से आवाज आ रही है, तो आप लोग बता सकते हैं पहले की आवाज में और अभी की आवाज में क्या डिफरेंस है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड्स।